महासमुंद पुलिस ने महिंद्रा बुलेरो पिकअप वाहन से लगभग 3 क्विंटल अवैध गांजे की तस्करी करते हुए 2 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस बार फिर से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब्त गांजे की कीमत 64 लाख रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस आरोपियों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत जेल भेजने की तैयारी में है। दरअसल महासमुंद पुलिस अवैध परिवहन रोकने के लिए चेकिंग अभियान चला रही है, जिस पर अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार बॉर्डर के अपने रास्तों पे चेक पोस्ट लगाकर अवैध मादक पदार्थ परिवहन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज एक और कार्रवाई करते हुए बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़ा गया है, जिसमें 3 क्विंटल 23 किलोग्राम गांजा की बरामदगी हुई है। ये गाड़ी उड़ीसा के बौद्ध ज़िले से आ रही थी और MP में रीवा जा रही थी। इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जैसे कि गांजा तस्कर हर बार नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने पदार्थ को छुपाने के लिए, इस बार इन्होंने हरी मिर्च के नीचे गांजा को छिपा के रखा था। पूछताछ पे शक हुआ, उनसे माल खाली करवा के देखा गया तो हरी मिर्च के नीचे करीब 323 किलोग्राम गांजा मिला, जिसको दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। NDPS 20B एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। लगभग 64 लाख का गांजा रिकवर हुआ है। TCP 24 के लिए महासमुंद से राहुल भोई की रिपोर्ट।